पहले जानते हैं कि फुलेरा दूज का महत्व क्या है। देखिए, फुलेरा दूज का जो पर्व है ये मुख्यतः वसंत ऋतु से जुड़ा हुआ त्योहार है। वैवाहिक जीवन को और प्रेम संबंधों को अच्छा बनाने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। ये भी वर्ष का अबूझ मुहूर्त है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे, बिना कैलकुलेशन किए हुए कर सकते हैं। मुख्य रूप से इस पर्व में श्री राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। जिनकी कुंडलियों में प्रेम का अभाव हो या जिनकी कुंडलियों में रिश्तों की समस्या हो, उन्हें फुलेरा दूज के दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए भी इस दिन पूजा की जा सकती है। इस बार फुलेरा दूज का जो संयोग है वो 25 फरवरी को बन रहा है। कि फुलेरा दूज को मनाने का तरीका क्या है, इस पर्व को मनाने की विधि क्या है। शाम के समय स्नान करके पूरा श्रृंगार कीजिए। इसके बाद राधा कृष्ण की पूजा करिए। राधा कृष्ण को सुगंधित फूलों से सजाइए, उनको सुगंध और अगर आप चाहें तो अबीर गुलाल भी अर्पित कर सकते हैं। भोग जो लगाएंगे उनको, उसमें सफेद मिठाई, पंचामृत और मिश्री अर्पित करेंगे। इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करेंगे या राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करेंगे। अगर ये कठिन लगता हो, आपको नहीं पढ़ पाते हो, तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कह करके इसका जप कीजिए। श्रृंगार की वस्तुओं का दान कीजिए और उसके बाद अगर आप प्रसाद ग्रहण करें तो आपकी ये पूजा संपन्न हो। ये जानते हैं कि जब आप फुलेरा दूज का पर्व मनाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे, कौन सी सावधानियों का पालन करेंगे। देखिए, फुलेरा दूज में जो पूजा की जाती है उसका सही समय संध्या काल में होता है, शाम के समय होता है। जब भी आप पूजा करेंगे, रंगीन और स्वच्छ वस्त्र धारण करके आनंद से पूजा करेंगे, दुख में बैठ करके तनाव पाल करके पूजा नहीं करेंगे। अगर प्रेम के लिए पूजा करनी है तो गुलाबी वस्त्र धारण करके प्रेम के लिए पूजा करें। अगर वैवाहिक जीवन के लिए पूजा करनी है तो पीले वस्त्र धारण करके तब पूजा करें, ताकि आपका विवाह जल्दी हो सके या वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। पूजा के उपरांत सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। फुलेरा दूज पर जो भोजन बनेगा उसका भोग भगवान को लगाया जाएगा और उस भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करें।